संत निरंकारी मंडल के तत्वावधान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजा पिता जी के आशीर्वाद से दिनांक 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को गढ़वा में निरंकारी मिशन ने पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें गढ़वा के सिविल सर्जन जी के द्वारा और माननीय गढ़ु ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए सभी ब्लड डोनर्स का उत्साह वर्धन किया, जिसमें सदगुरु माता जी की शिक्षाओं को अपनाते हुए रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं के साथ मानवता को आगे करते हुए 42 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। जो हमारे पास केसेज हैं वह थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया प्लस डायलिसिस में ऐसे पेशेंट है जिनका कि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम रहता है। उस कंडीशन में जो है हम लोग को हर हाल में उनको ब्लड मुहैया करना पड़ता है। थैलेसेमिया में क्या है कि महीने में एक से दो बार जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग जो होता है उनके जो घर के अटेंडेंट है वो अपने लेवल से वो डोनेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर फाइनली वो ब्लड बैंक पे डिपेंड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग उनको ब्लड बैंक के स्टोर से उनको उपलब्ध करता है, जिसके चलते हम लोग हमेशा शॉर्टेज का प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। वो जो वाकिफ है सर आप लोग, रक्तदान करना बहुत जरूरी है। रक्तदान के बिना किसी के भाई सुना हो जाता है, किसी के बहने जो है वो विधवा हो जाती है। यही सतगुरु सिखलाते हैं कि मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे के बने सहारा। आइए सतगुरु के सिखलाए हुए मार्ग पे हम सभी यही चल रहे हैं और प्रयत्न करते हैं कि किसी के ब्लड के बिना कभी भी जो है मृत्यु ना हो। और यही सतगुरु का कृपा कि आज पहली बार गढ़वा में जो है निरंकारी मिशन के तहत ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगे भविष्य में इससे भी बढ़कर जो है और रक्तदान का जो कार्यक्रम इससे भी बड़ा जो है होने का कृपा माता जी के तरफ से बने, यही दास विनती प्रार्थना करेगा। नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में जाना चाहिए। जब एक इंसान जाति पाति में बट जाता है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है इस ब्लड की, तब हम ये नहीं देखते, सिर्फ हम सोचते हैं कि हमारी जान किसी तरह बच जाए। फिर हम नहीं देखते कि ये ब्लड हमारा हिंदू का है, मुसलमान का है, किसी गरीब का है या किसी हरिजन का है। तो ये जो हमारे मिशन चला था, इसे हम हमारे जो कुछ ऐसे विरोधी थे मिशन के, हत्या कर दी। उसके बाद फिर हमारे जो बाबा हरदेव सिंह जी थे, उन्होंने बदला लेने की बजाय सिर्फ यही कहा कि जो ये रक्त है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे तो ज़्यादा अच्छा है, और उनको माफ़ी का दान दिया। तो यही अरदास, यही कामना रही। और अभी सदगुरु माता जी के आदेशानुसार भी ये ब्लड डोनेशन हमारा जो है होता है, तो ये फर्स्ट नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा मिशन से हमारे ब्लड जाता है। और यही अरदास रहती है कि ये जो रक्त है वो नालियों में ना बहे, नाड़ियों में बहे। जी का भी यही कहना है कि खून इंसान की नाड़ियों में बहे, नालियों में ना बहे। हमें रिलेशन ऐसा बनाना है कि मेक अ ब्लड रिलेशन थ्रू ब्लड डोनेशन बनाना है। तो यही सिखलाई को हम सभी अपने जीवन में अपनाते हुए आज आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है। अदासी ने भी ब्लड डोनेट कर दिया है। तो आप सभी से भी विनती रहेगा कि आप जी अगर आज भी ना पहुंच पाए तो अपने आसपास के बैंकों में जाकर, ब्लड बैंकों में जाकर जरूर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करते हैं तो किसी का जीवन दान होता है। कभी हमें भी जाकर के ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, अगर हम ब्लड डोनेट करते तो भी हमें भी मिल पाएगी। बस थैंक यू। गढ़वा में है एक ऐसी दुकान जहाँ मिलता है सभी कंपनियों का सेकेंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ और मूल्य बिल्कुल आपके बजट में। गढ़वा मेन रोड स्थित बीबी प्लाजा के बगल में गुप्ता आईटी सॉल्यूशन शॉप, जो सभी कंपनियों का सेकेंड हैंड लैपटॉप के बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। गुप्ता आईटी सॉल्यूशन में सभी कंपनियों के सेकेंड हैंड लैपटॉप की बिक्री करने के साथ साथ सभी कंपनियों का लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में जांचा परखा हुआ सेकेंड हैंड लैपटॉप वारंटी के साथ अपने कस्टमर को बिल्कुल उनके बजट में उपलब्ध करवाते हैं।